आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश में घरेलू सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। ताजनगरी में पेट्रोल अब 99 के पार पहुंच गया है तो वहीं डीजल भी 90 रुपए 65 पैसे हो चुका है, जिसके चलते वाहन स्वामी बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से इजाफा किया है, जिसका असर अब ताजनगरी के पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग से अब आम आदमी कराहने लगा है। ताजनगरी में अब पेट्रोल 99 रुपए 40 पैसे पर पहुंच चुका है तो वहीं डीजल भी 90 रुपए 65 पैसे के पास पहुंच चुका है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों ने आम आदमी की समस्या को बढ़ा दिया है। आम आदमी का कहना है कि कोविड-19 के दौरान आम आदमी की आर्थिक हालत पहले से ही खराब हो चुकी है, व्यापार और कारोबार पर भी काफी असर पड़ा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है। इससे बुरे दिन आएंगे, 99 रुपए हो गया, ऊपर जाएगा, इससे क्या करेगा आदमी, बताइए। कितना बजट बिगड़ रहा है घर का? बहुत। 80 रुपए कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, कमाई है नहीं इतनी, यह समझ लो। अभी तो कमाने के लिए मतलब 300 रुपए तो बड़ी मुश्किल पड़ते हैं कमाने के लिए, समझ लो। और खर्चा तो जो ही हो जाता है 400-500 रुपए उनका खर्चा, ये समझ लो 300 रुपए भी बड़े भारी पड़ना है कमाना। असर दूना दून हो गया, अब तो लग रहा है कि जब वो बंद करके साइकिल पे जाना पड़ेगा या फिर अपना ऑटो देखना पड़ेगा। नहीं, जब पहले नहीं पेट्रोल पे तो पैसे करके गिरने चाहिए, जीएसटी में लाना चाहिए। हाँ, जीएसटी में तो आना चाहिए। पेट्रोल तो पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं और पूरे दिन में 200 रुपये की पेट्रोल कहीं नहीं गई है, 200 रुपये पेट्रोल खर्च हो जाती है आराम से। 6,000 रुपये की पेट्रोल हो गई, कमाई क्या है बताओ? बच्चों की पढ़ाई है, तनख्वाह वही है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, क्या करे फिर आदमी? फिर अपना भी खर्चा है, आदमी जोड़ेगा नहीं, वो करे कैसे काम चलेगा ये बताओ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर जहां एक ओर आम आदमी काफी परेशान है तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के ऊपर पैसे बढ़ाए चले जा रही है सरकार, उससे ये लगता है कि आदमी की जेब का जो खर्च का जो बैलेंस है दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है और इसका असर सीधा पड़ रहा है उस महंगाई के ऊपर जो पब्लिक के ऊपर लगाई जा रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है, जो बाजार से गाड़ियों में भर के सामान आता है वो कहता है कि मैं घाटे में कैसे गाड़ी वहाँ से सामान भर के लाऊँ। अगर वो सामान भर के लाता है तो उसको पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़ा के देने पड़ रहे हैं। उस परिस्थितियों में आज सीधा असर घर के बैलेंस घर के बजट के ऊपर पड़ रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही बेकार हो गई हैं। हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि एक एक चीज़ पर 25-25%, कहीं कहीं 50%, और बहुत से खाद्य तेलों पर आप देखिए 100% दाम बढ़ गए हैं। कहाँ 100 रुपये तेल बिकता था सरसों का, 80 रुपये 90 रुपये, और इस समय 200 रुपये तेल बिक रहा है। रिफाइंड का 80 रुपये का भाव था, आज 160 रुपये बिक रहा है। तो महंगाई इतनी हो गई है, दालों पर भी महंगाई है, चावल पर महंगाई, चीनी महंगाई, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस का सिलेंडर घरेलू 900 रुपये का हुआ है, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुल रही है, गरीब जनता क्या करे। अशोक अग्रवाल का कहना है कि समय रहते अगर सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर नहीं जागी तो निश्चित ही अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सरकार को जगाने का कार्य करेगी। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर बात करें घरेलू सिलेंडरों की, घरेलू सिलेंडरों के दाम लगातार बढ़ते गए, उसके बाद अगर आज की स्थिति की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज जो है 2 अक्टूबर है और आज हम मीटर में आपको पेट्रोल पंप के मीटर में आपको आज की फिगर दिखाना चाहेंगे। पेट्रोल पंप पे आज जो है पेट्रोल जो है वो 99 रुपये के पार जा चुका है। अगर बात करें डीजल की तो डीजल भी 90 रुपये के पार जा चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जहां घरेलू सिलेंडर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई पर असर डाला तो वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो जाएगा, जिस कारण जो वस्तुएँ हैं वो महंगी हो जाएंगी और निश्चित ही एक बार पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम एक बार फिर बढ़ती महंगाई का कारण बन सकते हैं। अपने साथी इकबाल के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।